दर्शक को चित्रपट का कला पिछली बार काफ़ी चर्चा हुई इस पर, किस तरह का आर्ट है और कहाँ पर ये पाया जाता है और इसका क्या टेक्निक्स है, कैसे वो करते हैं, इस पर काफ़ी जानकारी मिली। और विशेषकर जो बच्चे आर्ट्स करते हैं, कुछ नई नई जानकारियाँ आपको मिलते हैं इस प्रोग्राम में, नए टेक्निक्स आपको बताते हैं। और आज जिस तरह मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मंडला पेंटिंग, मंडला आर्ट, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ आज जो कलाकार हैं निमेषा उदित जी, ये उनका डिफरेंट टेक्निक्स है और मंडला आर्ट भी करती है, इस तरह की सुंदर चित्र भी बनाती है। तो कुछ इनसे आप सीखेंगे मंडला आर्ट कैसे वो बनाती है। निमेषा जी हमारी ओर से नमस्ते। नमस्ते सभी दर्शकों को। अच्छा लग रहा है कि आज हमारे प्रोग्राम में, कला प्रोग्राम में आपके साथ बातचीत हो रही है और कुछ आपके बारे में और जो टेक्निक्स आप अपनाती हैं, कुछ ये मंडला आर्ट्स के बारे में आप बात करेंगे। जो सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करती हैं? मैं एक कलाकार हूँ, कला मेरी पैशन है और मैंने अपनी पैशन को अपना जॉब बना लिया। पिछले 2 सालों से मैं फुल प्रैक्टिस में हूँ, एग्जीबिशन कर रही हूँ और अपने क्लाइंट्स को कस्टमाइज सर्विस भी दे रही हूँ। निमेषा जी बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं सब बहुत सुंदर सुंदर चित्र है, डिज़ाइंस है और कुछ नए टेक्निक्स को बहुत सुंदर डिज़ाइन देकर, बहुत सुंदर आकार देकर आपने सुंदर काम किया है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आप आर्ट में कैसे आप इससे जुड़ी हुई हैं? मैं हमेशा से पेंटिंग करती थी, बचपन से ही पेंटिंग कर रही हूँ और मैंने ये सब सीखी नहीं है, कोई डिग्री नहीं लिया इसमें। मैंने अपनी एजुकेशन फैशन टेक्नोलॉजी किया यूनिवर्सिटी मॉरिशस से और बाद में मैंने MBA किया अमिटी यूनिवर्सिटी से, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और ये मैं हमेशा करती थी, जब भी मुझे वक्त मिली तब भी मैं पेंट करती थी और अब मैंने इसको चुना फुल टाइम के लिए, मैं आर्ट्स कर रही हूँ। कुछ टेक्निक्स जो आप यूज़ करती हैं, थोड़ा सा इस पर आप चर्चा करें। हाँ, मेरी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं बहुत सारी टेक्निक्स जानती हूँ। मैं रियलिस्टिक पेंटिंग भी करती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट भी करती हूँ और मंडला आर्ट्स भी करती हूँ। मंडला आर्ट्स में कई कई प्रकार के होते हैं, डॉट्स मंडला होते हैं, डिज़ाइन करके भी बनाते हैं, तो मैं सब कुछ करती हूँ और नए नए तरीके सीख भी रही हूँ, सीखती रहूँगी। निमेषा जी, आपका जो टेक्निक्स है वो थोड़ा वो मंडला आर्ट्स पर बात कर रही हैं, हालांकि ये काफ़ी पुराना है, बहुत से जो बच्चे आर्ट सीख रहे हैं इन लोगों को पता है कि काफ़ी पुराना आर्ट है, लेकिन आज इसको अपना कर, इसको सुंदर ढंग से इसको सजा कर, इसको और प्रचलित कर रहे हैं। तो ये जो मंडला आर्ट है, ये थोड़ा सा इस पर आप बताएं कैसे ये अभी इतना प्रचलित हुआ है। मंडला जो है, ये शब्द एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ गोला होता है, जो सर्कल होते हैं इसका अर्थ ये है। और हम जब भी कोई पर्व हो, हाँ, जो भी कोई कार्य होता है, पूजा या कुछ भी, शादी हो, तो हम रंगोली बनाते हैं, इसको ऐसे ही बनाते हैं मंडला के जैसे, एक गोला बनाते और डिज़ाइन बनाते हैं। और ये मंडला हम बहुत सारे तरीके बना सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने एक फूल को डॉट्स के ज़रिए बनाया, ये सिर्फ डॉट है, कोई पेंटिंग्स नहीं या कोई डिज़ाइन करके नहीं बनाया। और आपने जैसे आपने ये शो किया मेरे लक्ष्मी जी, ये हम एक्रेलिक पेंट को एक कोन में डाल के अच्छा बनाते हैं, जैसे मेहंदी की तरह, ये ऐसे बनाया मैंने। ये जो टेक्निक है, ये आसान है या प्रैक्टिस करके आ जाते हैं? मैंने किसी से सीखी नहीं, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करके 2-3 बार प्रैक्टिस करके हो गया मेरे से। और मैं हमेशा न्यू टेक्निक्स करके बनाती हूँ और अभी मैं गोला करके भी और मैं मिरर्स भी लगाती हूँ। अच्छा,
मिरर्स या मिडल में मिरर्स बना लगाती हूँ और पूरी पूरी डॉट्स करती हूँ। मतलब कि कई कई तरह से आप उसको सजा भी लगा सकती है, छोटे छोटे ये जो मिरर है या हाँ छोटे ओर्नामेंट्स हैं उसे आप सजा डिज़ाइन के हिसाब से डाल सकते हैं। और मैं फ़ोटोज़ भी लगाती हूँ, मिरर में फ़ोटोज़ लगाती हूँ और डिज़ाइन करती हूँ। ये मैं देख रही हूँ बहुत सारे हैं। हाँ ये मिश्रा जी, बहुत से जो आर्टिस्ट है, जो कलाकार है, वो अपनी कला, अपनी कृति को एग्जिबिट करते हैं, लोगों को दिखाते हैं। क्या आपने कभी एग्जिबिशन में भाग लिया है? हाँ, बहुत सारे। इन 2 सालों में मैंने बहुत सारे एग्जिबिशन की, नेशनल इंटरनेशनल एग्जिबिशन किया। पिछले साल मैंने वर्ल्ड अर्थ डे पर एक पेंटिंग लगाया था, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे। वो मैंने ट्रॉपिकल लीव्स पर मेरी पेंटिंग बनाए थे और वो नेल्सन मंडेला सेंटर में वो हुआ था, वहाँ पर आपने एग्जिबिट किया था। बहुत सारे किए, ऑनलाइन किए, वर्चुअल किए। हाँ मिश्रा जी, हम देख रहे हैं आप विजेता भी हुई है, अवार्ड्स भी आपको मिले हैं, थोड़ा सा इस पर आप बात करें। हाँ, हर एग्जिबिशन जब मैं करती हूँ तो हमें अवार्ड्स मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट मिलते हैं। और मैंने जब मैं स्कूल में थी, मैंने एक कंपटीशन में भाग लिया था, उस पर मैंने पहला प्राइस भी मुझे मिला उस कंपटीशन में। वहाँ पे बैटल ऑफ ग्रांपो था वो कंपटीशन, उस पर मैंने मुझे मिला फर्स्ट प्राइस। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक मंडला ही है ये, लेकिन ये एक एविलाय मंडला है। ये बहुत लोग पसंद करते हैं अपने घर में लगाने के लिए, क्योंकि ये बुरी नज़र से बचाते हैं। ये एक स्पेशल एविलाय के जैसे बनाते हैं, और मैंने इसमें काफ़ी टेक्निक्स लगाए, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने डॉटिंग्स किए, यहाँ पे पेंट किए ब्रश से, और यहाँ पे डॉटिंग टूल से मैंने अपने डॉट्स किए। तो ये बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे ऑर्डर्स देते हैं ये करने के लिए। डिफरेंट डायमेंशंस मैंने किया और डिफरेंट डिज़ाइंस भी मैंने किया एविलाय पर। एक गणेशा पेंटिंग्स है, ये मैंने इस तरह से बनाया, जैसे कि आप अगर आप देखेंगे दूर से तो आपको लगेगा कि ये एक स्कल्पचर है। ये मैंने लाइक थ्री डायमेंशन के हिसाब से बनाया, और इसको करने के लिए मैंने मॉडलिंग पेस्ट यूज़ किया, और फिर जब ये ड्राई हो गया तब मैंने पेंट किया अपने इस गणेश जी को। तो इसको करने के लिए मैंने एक्रिलिक पेंट यूज़ किया और मॉडलिंग पेस्ट भी यूज़ किया, और उस इसको शाइनी बनाने के लिए मैंने एक एक्रिलिक के मीडियम के जो ग्लॉस होती है उसे इस पर लगाया। तो इस तरह से ये इफ़ेक्ट मिली मुझे। को भी देख सकते हैं, ये मैंने बनाए थे एक एग्जीबिशन के लिए, सावोय रेलिगेसी एंड फ्यूचर के लिए। वहाँ पे हमें कहा गया था कि सिनेमाटोग्राफी के ऊपर कुछ बनाएं, तो मैंने इसको किया।
पहले ज़माने पे हम वहाँ पे रील्स यूज़ किया करते थे, तो इसको मैंने डेपिक किया अपने पेंटिंग्स पर, और हमारे जो कलाकार है शौली चापलेन जी, इसको भी मैंने यहाँ पे बनाया। तो मैंने इसको एग्जिबिट किया था वहाँ पे, 3 दिनों तक हमने कुछ एक्टिविटीज़ किया और पेंटिंग्स भी की, लाइव पेंटिंग्स भी की वहाँ पे, और बहुत कुछ बहुत सारे आर्टिस्ट से मिले हम, और बहुत कुछ सीखी भी मैं ये वहाँ पे। इस वाली पेंटिंग को आप देख सकते हैं, ये मैंने ट्रॉपिकल लीव्स पर बनाया, जो हमारे लोकल लीव जो मिलते हैं यहाँ पे, इसको मैंने बनाया। और ये मैंने किया था एक एग्जिबिशन में डालने के लिए, वर्ल्ड आर्ट डे पर ये एग्जिबिट हुआ था। जैसे कि मैं पहले बता रही थी, ये मैंने एक्रिलिक से बनाया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने कुछ टेक्निक्स की यूज़ की, मॉडलिंग पेस्ट यूज़ किया एक टेक्सचर क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक यूनिक व्यू आपको मिलेगी। ये वाली पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, ये एक मांडाला स्टाइल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने एक फ़ोटो लगाया है इस पर। ये मेरी परिवार है, मेरी पापा, मम्मी, मेरे भाई, और ये मेरा बेटा है। आप ये देख सकते हैं कि आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, जो आप फ़ोटो लगाते हैं इन द मिडल ऑफ ए मांडाला, और हम डॉट्स यूज़ करते हैं, डॉटिंग टूल्स यूज़ करते हैं इन डिज़ाइन को क्रिएट करने में। मेरे परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी आर्ट्स में, मेरी स्पेशली मेरे पापा, मेरा भैया और मेरे पति, जो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, मुझे हेल्प करते हैं, मुझे सब मटेरियल्स ला के देती हैं ताकि मैं मेरे आर्ट्स को करूं, और हमेशा क्लाइंट्स का ऑर्डर मिलते हैं, और मुझे एक डेडलाइंस, हमेशा डेडलाइंस होता है, मुझे ये करके दीजिए, मुझे बर्थडे पर गिफ्ट देना है, तो हमेशा मेरे परिवार मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड, वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं मेरे मटेरियल्स को लाने में, या डिलीवरी करने में, या कोई भी कुछ भी हो, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। और मेरी फैमिली भी, मम्मी पापा भी, मेरी इन लॉज भी, कोई भी हो, वो सब मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी इस काम पे, क्योंकि सबको मेरे काम पसंद है। मंडला आर्ट कला का एक रूप है, जहां रचनाकार आमतौर पर एक गोलाकार रूप में जटिल डिजाइन तैयार करता है। मंडला आर्ट का एक केंद्र बिंदु होता है, जिसमें से प्रतीकों, आकृतियों और रूपों की एक सारिणी निकाली जाती है। इस डिजाइन में आमतौर पर कई परतें होती हैं और इसे रंगों से रंगा जाता है। मंडला आर्ट आकार और प्रकृति के संदर्भ में विकसित हुए हैं, और इसे बनाते समय बारीक पैटर्न को समरूपता में बनाया जाता है। सभी मंडलों में कुछ ऐसी सामान्यताएं होती हैं, जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि ये एक मंडला आर्ट है। ये लगभग 2500 वर्ष पुराना है। मंडला बनाने के लिए रेत, रंग, फूल, प्राकृतिक चीज़ों आदि की ज़रूरत होती है, और इससे लाभ ये है कि शांति की अनुभूति होती है और फोकस बढ़ाता है।
ये मंडला शब्द संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है चक्र। ये एक डिजाइन या पैटर्न है। मंडला कला का एक गहन इतिहास रहा है। ये अपने गहरे आध्यात्मिक अर्थ और पूर्णता का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहचाना जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ एक मंडला सेट बना रही हूँ। इस पे मैं कुछ मिरर्स का काम भी करूँगी और यहाँ पे ऐसे लगाऊँगी। जब ये डिज़ाइन फिनिश मैं फिनिश करूँगी, तब मैं इसको ग्लू करके लगाऊँगी यहाँ पे। और डिफरेंट डायमेंशंस भी है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लगाऊँगी। और ये एक सेट है, आप मेरे क्लाइंट्स ने मुझे कहा कि ये उसे एक सेट चाहिए, तीनों एक ही डिज़ाइन का है। और ये मैं उसके लिए एक कस्टमाइज पेंटिंग बना रही हूँ। ज़्यादातर मैं कस्टमाइज ही पेंटिंग करती हूँ अपनी क्लाइंट्स के लिए, और उनके घर के डेकोरेशन के हिसाब से करती हूँ और उनके कलर्स प्रेफरेंस के हिसाब से भी करती हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक्रिलिक मीडियम यूज़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये पोरिंग मीडियम यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये इजी है डॉट्स करने में कंपेयर टू यहाँ पे मेरे नॉर्मल पेंट्स हैं। ये अगर मैं इसे यूज़ करूँगी तो मुझे उसे एक कंसिस्टेंसी पे लाना होगा कि मैं डॉट्स कर सकूँ और ये डॉट्स ठीक तरह से बने, फैलता नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे सारे डॉटिंग टूल है। डिफरेंट डायमेंशन के डॉट्स बना सकते हैं इससे बहुत बहुत छोटी बनाती हूँ डॉट्स।
तो अब मैं कुछ डिज़ाइन करके बनाऊंगी। सुंदर है और इस पर अभी काफ़ी काम है। हाँ, बहुत सारे। इस प्लान ये फुल होगा मंडला। मंडला डिज़ाइन बहुत सुंदर। थैंक यू। तो ऋषा, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे दर्शक, अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके यहाँ आए, तो आप कलाकार हैं या स्कल्प्टर हैं, ज़रूर हमको बुलाएं। हम आपकी जो कृति है, जो कार्य करते हैं, हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएँ। तो कैसा लगा आज का कार्यक्रम? अच्छा लगा ना? तो हमें भी इन सब सुंदर चित्र देखकर मन खुश हो गया। तो आपको बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। मरियो से नमस्ते। नमस्ते। तो दर्शकों, इस सुंदर प्रोग्राम देखकर ज़रूर हमारा मन खुश हुआ। तो और सुंदर इस तरह कार्यक्रम लेकर हम आएंगे कला प्रोग्राम में। फिर मिलेंगे। हमारे उसे नमस्ते।